हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे स्पेशल वीडियो इज ऑन राधे कृष्ण। जी हाँ, जन्माष्टमी आ रही है एंड जन्माष्टमी के स्पेशल उत्सव पर मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ झूले की डिज़ाइंस। और जन्माष्टमी हर किसी के घर में मनाया जाता है, हमारे घर में भी मनाया जाता है। तो फिर मैं एक आइडिया आपके लिए, डिज़ाइंस के आइडियाज़ कलेक्शंस लेके आई हूँ कि झूले के डेकोरेशन कैसे किया जाए। सो गाइज, यहाँ पे मैं ब्यूटीफुल झूले कलेक्शंस लेके आई हूँ। इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन से आप इसे घर पे भी बनवा सकते हैं या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। बट मैं बोलूँगी, अगर ये फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट करना ही है तो थोड़ा मेहनत भी कर लो, घर पर ही बना लो, एंड घर पर बनाई हुई चीज़ों की वैल्यू ही कुछ और होती है। सो गाइज, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर पर डेकोरेशंस करते हैं, जन्माष्टमी की बहुत ही धूमधाम से डेकोरेशन करते हैं, तैयारियां करते हैं। ये फेस्टिवल मेरा तो बहुत फेवरेट है। सो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन से झूले के। एंड गाइज, वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप देख रहे हो, अगर जन्माष्टमी की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, तो मोर पंख का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मोर पंख से अगर आप डेकोरेशन करोगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा एंड घर बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा। बहुत से मैंने ऐसे भी डिज़ाइन दिखा है जहाँ पे ओनली मोर पंख से डिज़ाइंस किए हुए हैं एंड बीट वर्क से भी किए हैं, मोतियों से किए हुए हैं, हैंडक्राफ्ट यूज़ किया है, आर्ट है, बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस है। आर्ट्स आप देख सकते हैं, मोर पंख से किया हुआ है या फिर पेपर फ्लावर से किया हुआ है, मोतियों से किया हुआ है, बीड्स के साथ किया हुआ है। झूले तो इतने प्यारे प्यारे हैं, आप देखोगे तो मुझे 100% भरोसा एंड 100% उम्मीद है आप लोगों से कि आप ये वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर दोगे। एंड प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को इतना सारा लाइक देना कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जो लोग डिज़ाइन सर्च कर रहे हैं। सो गाइज, डू लाइक दिस वीडियो फॉर दोज पीपल जो लोग बहुत ही मेहनत से घर पे ही DIY से झूला बनाते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। इतना सारा इसे शेयर करो एंड उन लोगों तक पहुंचा दो प्लीज़। तो मैं मन से चाहती हूँ कि लोग इस वीडियो को देखें और घर पर ही आइडियाज़ उनको मिल जाए कि कैसे झूले को डेकोरेट किया जाएगा। आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे झूले हैं। होप सो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लग रही है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है बट आई डेफिनेटली नो कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। सो गाइज, डोंट मिस द एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है इनमें से एक डिज़ाइन पसंद करना, बट गाइज इतनी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को होप सो ये वीडियो अच्छा लगे। एंड जन्माष्टमी के लिए आपको जो भी तैयारियां करनी है या फिर कोई भी वीडियो उसके रिलेटेड आपको देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जन्माष्टमी के रिलेटेड या फिर आने वाले किसी फेस्टिवल के रिलेटेड कोई डिज़ाइन या कलेक्शन या आइडियाज़ चाहिए है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली वो वीडियो अपलोड करूँगी। ये वीक शायद मैं ओनली जन्माष्टमी स्पेशल की वीडियोस डालूंगी। सो गाइस, स्टे ट्यून विद माय चैनल आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना ताकि जब भी मैं जन्माष्टमी स्पेशल वीडियोस अपलोड करूं ये वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखो और डेकोरेशंस की तैयारी अभी से शुरू करो। मेरी आने वाली वीडियोस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंड इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो गाइज, डोंट मिस माय वीडियोस, एक भी वीडियो मिस ना करें। और मेरे साथ ज़रूर बोले हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। आप देख सकते हो, फूलों से भी डिज़ाइन डेकोरेट कर सकते हैं आप। बहुत ही प्यारा है, मेरे को आई एम वेरी एक्साइटेड। बस मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि ये वीडियो मेरे लिए कितना स्पेशल है।
सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगी कि घर में हम जन्माष्टमी के लिए कैसे डेकोरेट करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई न्यू अपडेट्स।